हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ हैरीज डायरी। आज हम मेरे दो नए एक्शन कैमराज के अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो मैं मोटर व्लॉगिंग में यूज करने वाला हूं, और फिर हम उस दोनों कैमरा से इंडिविजुअल वीडियो शूट करेंगे टू गेज देयर पिक्सल्स, देयर साउंड क्वालिटी, देयर मोड्स एंड मेनी मोर थिंग्स। फिर हम दोनों बैठ के उस वीडियो को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा वीडियो क्वालिटी अच्छा है, कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। These are my two action cameras, DJI Osmo and SJ Cam 6 Legend, जो मैंने Backzone बोरा बाजार मुंबई से परचेज किया है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां चेक कर सकते हैं। I hope आप सबने सब्सक्राइब जरूर कर लिया है मेरे चैनल को। So let's begin the unboxing of my DJI Osmo. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है वो DJI Osmo कैमरा जिसमें ड्यूल स्क्रीन मिल जाता है, 4K HDR शूट कर सकता है, ये वाटरप्रूफ भी है विद 11 मीटर मैक्स, इसमें रॉक स्टेडी मोड भी है विद 4K 60fps एंड इसके साथ एक प्रोटेक्टिव केस भी मिलता है जो इसके अंदर लगा हुआ आता है। नाउ लेट्स सी बॉक्स में और क्या है। बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहला एक्सेसरीज क्या निकलता है। बैटरी केस है ये, फिलहाल हमने तो इसकी बैटरी कैमरा के अंदर लगा दी है, बट अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बैटरी है तो वो आप इसमें रख सकते हैं। सो ये चार्जिंग केबल है जो कि टाइप सी का है एंड इसके साथ साथ एक लॉकिंग स्क्रू भी दिया है कि अगर आपको कोई भी माउंट लॉक करना है तो ये स्क्रू से आप कर सकते हैं। और इसके साथ ये एक माउंट है जिसे हम फ्लैट माउंट बोलते हैं एंड ये जो है ये है कर्व माउंट। ये मेरे हिसाब से यूजुअली हेलमेट एंड ऑल पे लगना चाहिए जहाँ पर कर्व बेस ज़्यादा होता है, जहाँ पर कर्व है, जो भी आपका जो बेस है जिसमें आप लगाना चाहते हो थोड़ा कर्व है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कैमरा का फ्रेम खोल के दिखाता हूँ एंड देखते हैं ये कैमरा कैसे लगता है। सो ये है वो कैमरा जिसमें आपको बैक में एक टच स्क्रीन मिल जाता है, यहाँ पर ये पावर बटन है एंड यहाँ इस बटन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड अगर साइड में देखते हैं तो यहाँ पर मेन्यू ऑप्शन है, आप मेन्यू चेंज कर सकते हैं उसके अंदर से। एंड अगर इस बटन को आप प्रेस करके पुश करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सी टाइप का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है एंड उसके नीचे आपको मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। ये बैटरी है इसकी, अगर इसको आप ऐसे पुश करोगे तो ये बैटरी बाहर आ जाती है। ये 1300 mAh की बैटरी है। फाइनली द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैमरा इसका फ्रंट स्क्रीन जो एक व्लॉगिंग में बहुत हेल्प करता है, जिसमें आपको मालूम पड़ सकता है कि आपके स्क्रीन में क्या कवर हो रहे हैं, आपका फेस कैसा दिख रहा है एंड मेनी मोर थिंग्स। सो ये था DJI का Osmo एक्शन कैमरा। सो नाउ लेट्स अनबॉक्स आवर सेकेंड कैमरा। ये है SJ Cam का SJ 6 Legend। यहाँ पर आपको शो किया है कि बॉक्स में क्या एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। सो आइए शुरू करते हैं।
ये है हमारा एक्शन कैमरा विद वाटरप्रूफ माउंटिंग जो आपको 30 मीटर्स तक वाटर रेसिस्टेंट होगा। दिस कैमरा हैज 4K रेजोल्यूशन विद 24 FPS, टू स्क्रीन फ्रंट एंड बैक एंड जायरो स्टेबिलाईजेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैमरा केस के बिना कैसे दिखता है। यहाँ पर आपको पीछे 2.0 टच स्क्रीन मिल रहा है एंड फ्रंट में भी एक छोटी स्क्रीन है जिसमें आपको बैटरी परसेंटेज, स्टोरेज स्पेस, रिकॉर्डिंग टाइमिंग एंड किस रेजोल्यूशन पे वीडियो शूट हो रहा है उसकी जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। ऊपर की तरफ एक बॉक्स है, तो बॉक्स में सबसे पहली चीज इसकी चार्जिंग केबल है। एंड उसके बाद एक ये दो माउंट है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एंड फिर ये और दो माउंट है, मेरे हिसाब से अब तक 4 माउंट एजे कैंप में मिले हैं हमें साथ में। नीचे की तरफ सबसे पहले चीज ये एक हैंडल बार माउंट है, जहाँ तक मुझे पता है इसे हैंडल बार माउंट ही कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव केस है, लाइक वाटरप्रूफ केस के अलावा ये एक और केस दिया है इसमें। और दो स्टिकी माउंट है, तो अब तक मेरे हिसाब से 6 माउंट हो गए हैं। ये स्क्रू है इसके, दो स्क्रू है इसके अंदर एंड एक और माउंट है ये, तो आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। ये दो एक्स्ट्रा ग्लू पैड है, इन केस अगर आपका कोई ग्लू पैड खराब हो जाता है या वो स्टिक नहीं होता है तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये एक और माउंट और ये एक और माउंट, मतलब काफी चीजें एजे कैंप वालों ने दिया है। ये क्लॉथ है एंड इसके साथ ही साथ ये वाटरप्रूफ प्रोटेक्टर का ये और एक बैक पैनल है कि अगर बाय चांस वो डैमेज हो जाता है तो ये आप लगा सकते हैं। ये एक लेंस प्रोटेक्टर भी है इसके साथ में, जो कि ये रबड़ का बना हुआ है कि अगर आप जब कैमरा नहीं यूज कर रहे हो तो आप ये इसको लगा के रख सकते हो ताकि आपके लेंस कोई स्क्रैचेस ना आए उसके अंदर और वो प्रोटेक्ट रहे। क्लॉथ, ये दो स्टिकर है एंड फाइनली ये एक मैनुअल बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कैसे यूज किया जाता है एंड ऑल दैट, इसमें पूरी डिटेल्स दी रहती है। एंड बैक साइड ये QR कोड है जिससे आप इसका ऐप एक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने किया नहीं है, मैं बहुत जल्दी ये ऐप डाउनलोड कर लूँगा। अब अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो DJI Osmo मैंने लिया है 21,000 में एंड SJ6 Legend मैंने लिया है 9,500 में। DJI Osmo में एडिशनल माइक सपोर्ट करता है, अगर आपको एडिशनल माइक यूज करना है तो ये एक एडिशनल अडेप्टर आता है जो साइनोवा कंपनी का होता है, बहुत बेस्ट होता है, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड ये मैंने अप्रोक्स 2500 के आसपास का ख़रीदा है। इसकी प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। साथ में मैंने ये एक वाटरप्रूफिंग केस लिया है जो DJI Osmo के लिए है, साथ में उसमें एक मिलता नहीं है तो इसके लिए अलग से परचेस करना पड़ता है। SJ6 Legend में भी एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, सो ये उसका एडिशनल माइक है। द बेस्ट पार्ट इसका ये है कि एक्सटर्नल कोई अडेप्टर यूज नहीं करना पड़ता है इस माइक के लिए, ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है कैमरा से।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एचडी कैम की बैटरी है जो मैंने एक्सटर्नल परचेज की हुई है। सो दिस इज माई बोथ द कैमराज एंड देयर एक्सेसरीज विच आई एम गोइंग टू यूज इन माई फ्यूचर मोटो व्लॉगिंग वीडियोज। This was the unboxing video of my Bode action cameras. I hope आपको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ही जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने आऊंगा। Till then, keep liking, keep subscribing, keep commenting to my YouTube channel, Harry's Diary.